हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 लेयर रफल लहंगा। ये वीडियो बनाने की मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, सो आई रियली होप आपको पसंद है। वीडियो शुरू से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए आप अपनी साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको अपनी साड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप 4 से 5 मीटर नेट का मटेरियल लीजिए एंड 3 मीटर सैटिन का मटेरियल लीजिए अस्तर के लिए। सो यहाँ पर मैंने 3 मीटर सैटिन का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मेरी कमर से नीचे तक की जितनी लंबाई है उतनी होनी चाहिए। उसे एक बार फोल्ड कर लेंगे हम। एक बार फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। दो बार फोल्ड करने के बाद एक साइड होगी खुली हुई और एक साइड होगी बंद। बंद साइड पे आपने जितनी भी कमर है उसे डिवाइड कर लीजिए 4 से। मेरी थी 32, मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है तो हो जाएगा 8 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। 9 इंच पे एक पॉइंट बनाकर वहाँ से नीचे तक एक स्लैंट लाइन लीजिए इस तरीके से। फिर इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब खोलेंगे तो हमें ऐसे ही 2 कपड़े मिलेंगे। एक साइड से हमें सिलाई कर देनी होगी। हमें सिर्फ एक साइड से सिलाई करनी होगी सो दैट हमें रफ़ल लगाने के लिए आसानी हो। यहाँ अब हम रफ़ल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है नेट का कपड़ा। यहाँ पर नेट विजिबल नहीं थी इसलिए मैंने इसकी कटिंग पेपर में बताई है। तो जैसे कि हमारा जो नेट का मटीरियल है उसकी जो लंबाई है, विड्थ है, वो है 60 इंच की। यूजुअली हमें जो नेट है उसका विड्थ 60 इंच का ही मिलता है। एंड यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 4 मीटर की नेट। आपको जितना हैवी फ्लेयर चाहिए आप उतना इस्तेमाल करिए, आप 5 मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल लंबाई जो हमारी कमर से नीचे तक की है वो है 38 इंच की। उसमें से 2 इंच हम निकाल लेंगे बेल्ट के लिए तो हो जाएगा 36 इंच। जैसे कि हमें 3 लेयर लगाना है तो 36 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 12-12 इंच। तो हर एक लेयर हमारी होगी 12-12 इंच की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हर एक लेयर पे लिया है 12-12 इंच, बट इसमें हम 3 इंच मिला लेंगे क्योंकि हमें ऊपर थोड़ा ऊपर से लगाना होगा 2 या 3 इंच सो दैट हमारा जो स्टिचिंग है वो विजिबल ना हो। तो 3 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 15 इंच। तो हर एक लेयर हमारी होगी 15-15 इंच की। आपकी जो हाइट है उस हिसाब से ये कैलकुलेशन आप कर लो। तो जैसे कि हमारा विड्थ था 60 इंच का, उसमें से 15 इंच से जब हमें हर एक लाइन कट करेंगे तो हमें ऐसे ही 4 पट्टी मिलेगी। तो हम 4 पट्टी कट कर लेंगे 15-15 इंच की। जितनी पट्टियां आपकी निकल रही हैं आप उतनी कट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 लेयर बना रहे तो 3 पट्टियां कट करनी होगी, जितनी पट्टियां निकल रही हैं आप उतनी कट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इन्हें या तो आप मिला लें या तो आप सिंपली प्लीट्स देते हुए लगाते रहें जितना नेसेसरी है हर एक लेयर पे। फिर बचा हुआ कपड़ा दूसरे लेयर पे लगाएंगे। इसी तरीके से सारे लेयर्स को हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने नेट पे भी सेम कटिंग कर ली है। अब जो हमारा अस्तर है नीचे का उसे हम सबसे पहले स्प्रेड कर लेंगे। सो अगर आप चाहें तो आप प्लीट्स को डायरेक्टली अस्तर पे लगा लें देते हुए, बट उससे पहले आपको हर 12 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी क्योंकि हर 12 इंच पे हमें एक प्लीट लगानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 12-12 इंच पर लाइंस ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो कपड़े के ऊपर रखकर ही छोटी छोटी प्लीट्स दे दें। इस तरीके से कपड़े को उल्टा रखना होगा, फिर जब आप प्लीट्स देंगे यानी इसे पलटेंगे तो हमारी जो भी सिलाई है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। या अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से सबसे पहले प्लीट्स बना ले पूरे कपड़ों में एंड देन इस पे लगाएं। ये काफ़ी आसान भी होगा हैंडल करने में और काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटी छोटी प्लीट्स दे दूंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े को एक साथ गैदर करके आपको प्लीट्स देना होगा जिससे आपका जो लहंगे का फ्लो है वो बहुत ही हैवी आए। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटी छोटी टाइनी टाइनी प्लीट्स दिया है जिससे मेरा नेट काफ़ी हैवी लगे। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर दे दिया है एंड यहाँ पर मैंने हर 12 इंच पर मार्किंग किया है। अब इसे ऊपर हम लगा लेंगे। सबसे पहले पहली प्लीट्स हमें इस तरीके से रखते हुए लगाना होगा, जितना एक्स्ट्रा है उसे काट कर सेकेंड प्लीट्स में हम ऐड कर लेंगे। जो दूसरी प्लीट है उसे उल्टा तरफ इस तरीके से रखना होगा ताकि सिलाई अंदर की ओर चले जाए। ऐसे ही हमें तीसरी प्लीट भी लगा लेना होगा। ये बहुत ही आसान मेथड है गाइज। सो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों लेयर पे प्लीट्स लगा लिया है बहुत ही इजीली। अगर आप चाहें तो हर एक लेयर पे अलग 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 ही नेट लगाएंगे तो वो भी खूबसूरत लगेगा।
सो यहाँ पर प्लीट्स लगाने के बाद अब हमें बेल्ट लगाना होगा। जितनी भी आपकी कमर है उससे आप एक इंच एक्स्ट्रा लीजिए बेल्ट के लिए। यहाँ पर मैंने एक तरफ बेल्ट के लेस लगाया है थोड़ा आधा इंच छोड़ते हुए। आप भी इस तरीके से लेस लगा सकते हैं या तो बाद में बेल्ट पे आप कुछ भी स्टोन स्टिक कर सकते हैं। इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। इसकी चौड़ाई मैंने रखा था 4 इंच की। फोल्ड करने के बाद आप अपनी कमर पे रख लें। इसे इस तरीके से रखकर ऊपर से सिलाई दे देनी होगी। दोनों जो किनारी है उसे आप मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है एंड ऊपर से सिल लूंगी एंड दोनों जो हमारे बेल्ट का एंड है उसे भी हम मोड़ लेंगे। बेल्ट को स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर एक लूप तैयार होगा जिसके थ्रू आप इलास्टिक या डोरी पास कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने बेल्ट लगा लिया है, साइड्स भी हेम कर लिया है। अब यहाँ से मैं डोरी पास कर लूँगी। डोरी पास करने के बाद अब हमें सिंपली इसे फ्लिप कर लेना होगा एंड फ्लिप करने के बाद साइड सी लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से फ्लिप किया है। हमें बेल्ट के नीचे से सिलाई देनी होगी। तो बेल्ट के नीचे से सबसे पहले आप अस्तर को सी लें एंड देन उसके बाद नेट को सिए। इससे आपका फ्लो ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अस्तर को स्टिचिंग कर लूँगी एंड देन फ्लो को स्टिच करते हुए हमारा ये लहंगा तैयार है। सो गाइज, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान था एंड आई रियली होप आपको पसंद आया। इस तरह की लहंगे को आप कैन कैन स्कर्ट के साथ पहने, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे इसका फ्लो और ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। सो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर watching guys. Bye bye till the next time.